बच्चों को डांस से सिंगिंग सिखाने के अनेकों इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम बात करें प्रथम श्रेणी की तो द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड डांस एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां के स्टूडेंट समय समय पर डांस और सिंगिंग के क्षेत्र में अपनी जीत का झंडा गाड़ चुके हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जावेद अमन एक प्रतिभाशाली गुरु होने के साथ साथ स्टूडेंट के साथ एक अच्छे मित्र वाली बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। एक बार फिर इंडिया बेस्ट मंथ सीजन 2 रियलिटी शो में जहां देश भर से हजारों बच्चों ने भाग लिया, वही मुरादनगर के 6 होनहार सिंगरों ने भी ऑडिशन दिया, जिसमें राशि गोयल और वंदिता देवनाथ का चयन हुआ। राशि और वंदिता के सिलेक्शन के बाद उनके गुरु जावेद अमन ने उनके साथ और मेहनत शुरू कर दी और सिंगिंग का हर वो गुण सिखाया जिससे वो शो में आए सभी गायकों को टक्कर दे सके, और वैसा ही हुआ। मुरादनगर की इन दोनों बेटियों ने एक के बाद एक राउंड से बेहतर प्रतिभा दिखाकर फाइनल राउंड में जगह बनाई और जीत का ताज गुरु जावेद अमन की छात्रा नगर की बेटी राशि गोयल के सर सजा। वही वंदिता देवनाथ फर्स्ट रनर अप रही। पूरे शो में इन बेटियों और गुरु जावेद अमन के साथ मुरादनगर का नाम गूंजता रहा। बिग बॉस विनर आशुतोष कौशिक ने दोनों बेटियों और गुरु जावेद अमन को विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बता दें कि वंदिता देवनाथ आसाम की रहने वाली है, कुछ सालों से मुरादनगर ब्लॉक में हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर सेवा कर रही है। वही आपको बता दें कि द बेस्ट इंस्टीट्यूट में राशि वंदिता व गुरु जावेद अमन का भव्य स्वागत किया गया। वुन एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षता दमयंती सिंह, बॉलीवुड सिंगर शावेज आलम व सभी अभिभावकों ने तीनों का स्वागत किया और आने वाले समय में द बेस्ट इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गाजियाबाद से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। जैसे जहां आप तैयारी कर रही हैं, आप फर्स्ट आई हैं, क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि गोयल है और बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे बच्चों में से हमें विनर चूज किया है उन्होंने रियलिटी शो में, तो बहुत खुशी। और किस चीज़ में आप फर्स्ट आई हैं? ये एक सिंगिंग रियलिटी शो था जिसका नाम द बेस्ट मंथ सीजन 2 है, तो इसमें हमने ऑडिशन दिए थे। तो थोड़ा आगे बताएंगे ऑडिशनों के लिए? मैं अपना पहला गाना सुना देती हूँ जो मैंने ऑडिशन में गाया था। तो आप अपने इसके बारे में कुछ बताएंगे जहाँ पे आपने तैयारी की थी, सर के बारे में, टीचर के बारे में कुछ बताएं आप? इसके अलावा और क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं जॉब करती हूँ। तो जॉब के बाद में आप टाइम निकाल कर जब आती हैं? हाँ जी। मैम मेरा सवाल आपसे, एक अदर स्टेट से आने के बाद में, गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद में, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, टाइमिंग भी मिसमैच होती होगी, दुनिया भर की ये हैं, तो आप किस तरीके से अपना टाइमिंग मैच करते हो? टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि जब मन में होता है कुछ करने का तो फिर टाइम निकालना पड़ता है। अब ये सच्चाई सबको पता है कि सिंगिंग में अगर कुछ हासिल करना है तो रियाज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, गाने सिंगिंग सॉन्ग्स के प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो जॉब से अलावा, मेरी ड्यूटी टाइम से अलावा, मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं पूरा टाइम अपना सिंगिंग में देती हूँ। अच्छा, आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर इंसानी दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसको लेकर काफ़ी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो, मतलब प्रतिभा है लोगों के अंदर लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पाती है, तो ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, लड़कियों के लिए ना उसका खुद का घर सेफ है ना ही बाहर का दुनिया। मैं 12th के बाद से मैं काफ़ी साल बाहर गई हूँ, पहले मैं राजस्थान से पढ़ाई की मैंने, फिर उसके बाद मैं यूपी में अभी 2 साल से हूँ। तो अगर हम डर के घर बैठ जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है? और अगर लाइफ में हम कुछ नहीं करेंगे तो दुनिया हमें और कमजोर वैसे ही समझेगी। तो सिचुएशन से डर के घर बैठना आई थिंक किसी चीज का सलूशन नहीं है। हमें सबसे पहले फिजिकली से ज्यादा हमें मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। हम घर से बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, तभी हिम्मत आएगी। तो
सब जो भी बैठे हैं सबसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँ, अगर आप में टैलेंट है तो बाहर निकलिए, उसको दिखाइए, दुनिया के सामने रखिए, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। आप ना तो अपने घर पे सेफ हो ना ही बाहर सेफ हो, कोई सेफ्टी का तो कुछ अलग से मतलब प्रोटोकॉल है नहीं कि आप इस जगह पे रहोगे तो आप सेफ रहोगे, ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी रूप में आ सकती है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है हमेशा मेंटली, और जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको निकाल देना, उसको रोकना नहीं है। अच्छा, आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो आप दोनों, तो आपकी मेहनत तो उसमें अव्वल नंबर पर है, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद में थोड़ा घर वालों के भी इस बात की चिंता रहती है, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है घर के लोग जो कितने सपोर्टिव हैं? घर के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, तभी मैं इतने अदर स्टेज में आके कर पा रही हूँ, ठीक है। आज से नहीं, बचपन से लेकर हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर पे कोई लड़का नहीं है, मैं बड़ी हूँ सबसे, तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने हमेशा सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे कभी ये बोल के नहीं रोकने की कोशिश की कि तुम बेटी हो, तुम बाहर निकलोगे, तुम सेफ नहीं हो, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये फिर तुम्हारे लिए नहीं बना है। किसी भी चीज में हो, कभी भी हो, कैसे भी हो, मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया है। मतलब आप दोनों ने ये क्लियर कर दिया इस मुकाम पर पहुँच कर के मंजिलें चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रास्ते में चाहे कितने भी अड़चन आए, लेकिन इंसान अगर तक ठान ले तो वो अपनी मंजिल जो है पाकर रहता है। जैसे आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय आज मैं जिस भी मुकाम में हूँ, सबसे पहला श्रेय तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा दिखाया, मुझे सपोर्ट किया है, बिना किसी क्वेश्चन किए हमेशा मेरे डिसीजन को मतलब सहमति दी है। और उसके बाद अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहती हूँ तो वो चाहे सर है, मतलब वो भी हमारे घर के मेंबर से अलग नहीं है, उन्होंने भी हमेशा एक बड़े भाई के तरह, एक गार्जियन की तरह हमें सपोर्ट किया है, हमें गाइड किया है, और कभी भी सेफ्टी की जैसे आप पूछ रहे थे तो उनके साथ हमें कभी अनसेफ फील नहीं हुआ है, हमेशा हम एक बड़े भाई की तरह उनके साथ जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो सर का भी काफी श्रेय है। अभी आपके स्टूडेंट फर्स्ट आए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट के बारे में? देखिए, बहुत ही खुशी का दिन है, और जब ये शूट चल रहा था इस शो का, तो इनका जब अनाउंस हुआ था, बिग बोर्ड विनर के हाथों से इनको ट्रॉफी मिली थी, गुलाब नगर के नाम जब वहाँ गूंजा, हर शहर से वहाँ पे बच्चे थे, तो वो क्या मोमेंट था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम तीनों ही बहुत इमोशनल थे, खुशी के साथ साथ वहाँ पे, तो बहुत ही खुशी का दिन था। आगे क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंटों के बारे में? आगे यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद फिर और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और अच्छे शोज में जाएंगे, और अच्छी तैयारी कराऊंगा मैं। अब तक कितने बच्चों की आप तैयारी करा चुके हैं अपने से? अभी तक तो इस वाले इंस्टीट्यूट से तकरीबन 7-8 बच्चे को मैं सिखा चुका हूँ, और 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके हैं, जो नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, कई शोज में जीत चुके हैं, जो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से। अगली तैयारियाँ जो बच्चों की होती हैं इसी तरीके से करा रहे हैं या कुछ आगे पीछे करा रहे हैं? बच्चे जो अब ये सीख चुके हैं फिर उससे कुछ अच्छा सिखाते हैं, आसान तरीके से उनको क्या अच्छा सिखाया जाए उस चीज़ में दिमाग लगाते हैं, इस बच्चे को क्या सिखाया जाए। जैसे ये दोनों थे तो उनको दोनों को अलग अलग सॉन्ग सिखाए थे, जो ये बेटर गा सकते हैं, जो ये अच्छे से गा सकते हैं, दूसरों को बीट कर सकते हैं, वैसे उनको सिखाए। अब थोड़ा सा गा के सिखाएंगे आप?
बहुत बहुत बढ़िया।